आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस ने सरकार बनाने के दावे तेज कर दिए हैं। जहां बीजेपी ने फिर से सरकार बनाने की बात कही, वहीं कांग्रेस ने भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों को मतगणना तक सजग रहने की सलाह दी और कहा, तैयारी रखें, सरकार कांग्रेस की ही बन रही है। भोपाल में हुई बैठक में कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को नसीहत दे दी कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक प्रत्याशी सजग रहें और ईवीएम में गड़बड़ी होने पर चुनाव आयोग में विरोध दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को मतगणना में नियमों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कई सीटें हम मतगणना में हार जाते हैं। मीटिंग काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेन करना और जिस तरह से सरकार बेवादी पर उतारू है, हम हमारे वर्कर्स को सतर्क करना चाहते हैं कि वो पूरी शिद्दत के साथ 11 तारीख को काउंटिंग में जाए। इसके पहले की भी मध्य प्रदेश में ईवीएम के मामले में बड़ी कॉन्ट्रावर्सी पिछले लगातार 2 साल से आप सुनते रहे हैं। मुंगावली कोलारस वगैरह जगह पे भी जो इन्होंने वो हर प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल करने की कोशिश की और प्रशासन में मिले हुए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता और प्रशासन में उन्होंने प्रमोट किए हुए कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर, मैं कहूँगा सब नहीं मगर थोड़े चंद लोग, उन सब की मदद से वो नतीजों को प्रभावित करने की, उसमें इरेगुलरिटी करते हुए मैनिपुलेशन करते हुए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो है बौखला गए हैं कि जब पूरा जनमत कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है वो निश्चित हो गया, सभी रुझान वहाँ आने लगे, तो उसको आपने देखा कि पिछले सप्ताह में कई जगह पे फर्जी पेटियों को लाके अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की चेष्टा की गई। गुजरात में भी इसी प्रकार से डुप्लीकेट जो है मतदाता पेटी को लाके और साथ साथ ईवीएम वीवीपैट को बदल के जो है कुछ मैनिपुलेशन किया गया, मशीनों के नंबर नहीं मिलते थे, जो है मतदाता की संख्या और जो पोलिंग रजिस्टर हैं उसमें उससे ज़्यादा कई अनेक मतदाताओं की संख्या कई जगह पे पा गई थी। तो ये हर प्रकार की जो संभावनाएं होती हैं उसको रोकने के लिए हमारे कैंडिडेटों को उसमें कहां कहां सतर्कता रखनी चाहिए वो बातों से याद करने के लिए आज की मीटिंग। बैठक में कमलनाथ थोड़ा आक्रामक अंदाज में दिखे। उनका कहना था, अभी तक नियमों की जानकारी अधिकारियों को थी मगर आपको भी होनी जरूरी है, जिसके लिए विवेक तनखा हमारी मदद कर रहे हैं। अगर कुछ गलत होता है तो सामूहिक रूप से विरोध करो। इस बार का चुनाव पूरी तरह सामूहिक रूप से लड़ा गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।